मित्रों आइए जानते हैं भोजन संबंधी कुछ जरूरी नियम जिनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। पांच अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करें। कंजूस का, राजा का, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्य दोष से दो घंटे बाद तक एवं सूर्य अस्त से ढाई घंटे पहले तक प्रबल रहती है। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन कभी नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खाने से पहले अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता या अपने आराध्य की स्तुति करके ही उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयां आदि उन्हें नहीं खानी चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले तीन रोटियां अलग निकालकर गाय, कुत्ता और कोए हेतु, फिर अग्निदेव का भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहना चाहिए। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। रात्रि में भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रस्त को 320 ग्राम से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान, सौंदर्य प्राप्त होता है। जिसने ढिंढोरा पीट कर खिलाया हो वहाँ कभी ना खाएं। कुत्ते का छुआ बासी, अनादर युक्त, अभिन्नापूर्ण परोसा गया भोजन कभी ना करें। यह नियम आप जरूर अपनाएं और स्वयं फर्क देखें। दोस्तों यदि वास्तव में आप भी अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए नियमों को अवश्य अपनाएं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपके ऐसा करने से ही मुझे रोज नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय माता की।